हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एग्ज़ाम ऑफ UPSC मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में एक वर्क आना है जो कि है सर रोजर डी कवरली, मतलब मीन्स कवरली पेपर्स, जो कि कहाँ से लिए गए हैं, स्पेक्टेटर से लिए गए हैं। और ये जो पेपर्स हैं ये एग्जैक्टली कलेक्शन है जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील का। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें कितने टोटल जो पेपर्स हैं वो टोटल है 30, जो कि किसको डिवोट करते हैं, सर रोजर को। फ्रेंड्स, इस वर्क का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ एंड लास्ट चैप्टर है द स्कोप ऑफ सटायर। आज मैं इसका ही एक चैप्टर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जिसकी मैं समरी बताऊँगी आपको। उसका नेम है डेथ ऑफ सर रोजर, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब ये चैप्टर शुरू होता है तो इस चैप्टर में जो स्पेक्टेटर है, जो इस पूरे पेपर्स का मेन कैरेक्टर है, उसको एक बहुत ही बैड न्यूज़ मिलती है। और बैड न्यूज़ होती है सर रोजर से रिलेटेड। उस वो बैड न्यूज़ में क्या था, बैड न्यूज़ में ये था कि सर रोजर की डेथ हो गई है और उनके ही लोगों में से किसी ने ये लेटर लिखा था जो कि सर एंड्रयू को मिला था। तो पता चला लेटर से कि ये एक कोर्ट में अपनी बात बोल रहे थे और उसी में ही क्या हुआ, इनको सर्दी लग गई और इनकी डेथ हो गई। फ्रेंड्स, आप सर एंड्रयू कौन है और स्पेक्टेटर कौन है ये आपको पता ही होगा। अब जब ये न्यूज़ यहाँ पे सबको पता चलती है तो सबको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ये एक्चुअली जो लेटर था वो लिखा था एक विग ने, जो कि सर रोजर का बहुत ही बड़ा एनिमी था। और स्पेक्टेटर को ये जो लेटर मिला था वो कैप्टन सेंट्री ने लिखा था और उनके ही बटलर ने लिखा था ये लेटर जो कि स्पेक्टेटर को मिला था। अब जब स्पेक्टेटर इस लेटर को पढ़ते हैं जो कि उसके बटलर ने लिखा था, तो उस लेटर में उन्होंने बताया था कि उनके जो मास्टर थे, मीन सर रोजर थे, वो बहुत ही अच्छे थे और एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। और उनको उस टाइम सर्दी लग गई जब वो कोर्ट में एक विडो को बचाने के लिए गए थे, उसका फेवर कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि जब सर रोजर घर वापस आए कोर्ट से तो उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। इवन जो वो रोस्टेड मटन खाते थे, मीट खाते थे, उस दिन उनको वो भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने नहीं खाया। लेकिन फिर भी उनके जो सर रोजर के जितने भी सर्वेंट थे, उन्होंने सोचा कि अरे कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो जिस विडो से प्यार करते थे उसका उनको लेटर भी मिला था। तो कुछ ऐसा लग रहा था उनके नौकर को कि आप ठीक है, और अभी इन्हें उस वीडियो का लेटर मिला है तो जिसको पढ़ के इन्हें थोड़ा सा कंसोलमेंट मिलेगा और ये अच्छे हो जाएंगे। इतना सब सोचने के बाद भी लेकिन फाइनली उनकी डेथ हो गई। अब उस लेटर में आगे लिखा था कि उन्होंने अपनी वसीयत में क्या क्या, उन्होंने किसको किसको डिनोट किया है। अब ये पता चलता है कि उनकी वसीयत में उन्होंने क्या लिखा था। उनके पास एक पल्स का, मीन्स मोती का एक बड़ा सा नेकलेस था और दो, मीन्स बहुत ही अच्छे जिसमें रत्न जड़े हुए थे, तो वो दो बैंगल्स थी। तो ये उन्होंने उस विडो को दे दिए थे जिस विडो को ये बचाने गए थे और सर रोजर जिस विडो को प्यार करते थे। अब आगे उनके पास जो एक हॉर्स था, वो हॉर्स उसने एक बिशप को दे दिया था, मीन्स पादरी क्लर्जी मैन को दे दिया था। और जो बुक्स थी उनके पास जितनी भी, वो उन्होंने स्पेक्टेटर के नेम लिख दी थी कि मेरी सारी बुक्स ना मैं स्पेक्टेटर को दूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि अपने एरिया के, उनके एरिया में जितने भी जेंट्स कैंडिडेट थे, मेल कैंडिडेट थे, सबको उन्होंने एक अच्छा सा वुलन कोट दिया था और हर उस गांव की हर लेडीज़ को एक एक उन्होंने काली कलर की, ब्लैक कलर की कैप भी दी हुई थी। अब उसके बाद अब आता है नंबर उनके सर्वेंट्स का। तो उन्होंने अपने सर्वेंट्स के लिए बहुत सारा पेंशन दे कर रखा था और बहुत सारी मनी भी उनके लिए छोड़ के रखी थी।
और उन्होंने चर्च की बिल्डिंग के लिए भी कुछ पैसे बचा के रखे थे कि जब ये चर्च की बिल्डिंग बनेगी तो यहाँ पे उसको दे दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, इस न्यू कवरली हाउस का, जिसका ओनर अभी तक सर रोजर थे, उनकी तो डेथ हो गई थी, तो अब इसके न्यू ओनर बन गए थे कैप्टन सेंट्री। कैप्टन सेंट्री इसके न्यू ओनर थे। और ये कौन थे, इनका सर रोजर के साथ क्या रिलेशन था? ये सर रोजर के नेफ्यू थे, ठीक है, और अब नेफ्यू थे और उस कवरली हाउस के अब न्यू ओनर बन गए थे। अब सर रोजर की डेड बॉडी को लेके जाते हैं उनके 6 सर्वेंट्स, और उनका जो पूरा गांव था वो भी उनके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि सर रोजर एक ऐसे कैरेक्टर थे अपने विलेज के जिनको सब लोग बहुत ही ज़्यादा लव करते थे, क्योंकि अपने लाइफ में, अपने मैनर में, अपने एटीट्यूड में, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, बहुत ही ज़्यादा वेल ब्रेड थे, इसलिए सभी लोग उनकी डेथ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। अब इतना लेटर पढ़ने के बाद स्पेक्टेटर को प्लस रीडर को पता चला कि हाँ, सर रोजर की डेथ हो गई है, और सर रोजर ने अपनी वसीयत में क्या क्या किसके किसके नेम कर दिया गया है। अब इसके बाद लेटर फिर से शुरू होता है, वो पढ़ना शुरू करते हैं। अब लेटर में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आपको ये बुक मिलने वाली है, मीन्स किसको मिलने वाली है, स्पेक्टेटर को ये बुक मिलने वाली है, जो कि सर रोजर ने अपनी डेथ से पहले रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बुक है ये सर एंड्रू फ्रीपोर्ट को भेज दी जाए और उनसे ये कहा जाए कि वो इस बुक्स को स्पेक्टेटर को दे दे। अब क्या होता है कि जैसे ही सर एंड्रू को वो बुक मिलती है, वो उस बुक को खोलते हैं और उसमें जैसे ही बुक ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उस बुक में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स थे और उसमें ना मीन्स एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी के बारे में बताया गया था, जिसमें सर रोजर ने कुछ पॉइंट्स भी मार्क किए थे। कुछ ऐसे पॉइंट्स को मार्क किया था उन्होंने जिस चीज़ को लेके, जिन पॉइंट्स को लेके सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट और सर रोजर के बीच में ना कभी डिस्कशन भी हुआ होगा, बहस भी हुई होगी, उन्होंने वो पॉइंट भी वहाँ पे मार्क किए हुए थे। ये सब चीज़ें देखने के बाद जो सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट होते हैं और जो स्पेक्टेटर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। इवन उस स्पेक्टेटर क्लब में जितने भी लोग होते हैं, वो इस न्यूज़ को सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि अरे सर रोज़र हमारे बीच में कितने अच्छे थे, उनके साथ ऐसे कैसे हो गया। अब आगे लेटर में कैप्टन सेंट्री ने जो स्पेक्टेटर को लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि सर रोज़र ने क्लब के हर मेंबर के लिए क्या किया है, एक रिंग छोड़ी है और एक ब्लैक कलर के कपड़े भी छोड़े हैं, मतलब कुछ ब्लैक कलर के कपड़े और रिंग छोड़ी हैं। किस लिए? क्योंकि वो सबको दे दिया जाए जिससे सब लोग उनकी डेथ के ऊपर शोक मना पाएंगे। और यहीं पे ये डेथ ऑफ सर रोजर वाला पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मीन इसकी स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि इसमें कुछ भी नहीं था, इस चैप्टर में बहुत इजी था, बट एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि सर रोजर ने किसके नाम क्या क्या किया था, तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।